नमस्ते एंड वेलकम टू सिंपल लर्निंग। इस वीडियो में हम डायलॉग मेथड के बारे में पढ़ेंगे। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रिंसिपल्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ डायलॉग मेथड। सो लेट अस स्टार्ट। लेट अस सी द मीनिंग ऑफ डायलॉग मेथड। सो डायलॉग मेथड का मीनिंग देखते हैं। The word dialogue originates from the Greek word. So, dialogue है जो Greek word से आया है, that is dialogues. So, dia का मतलब होता है through and logos का meaning है words. So, dialogue means through words. Continuation. Dialogue method involves mutual sharing of thoughts. So, dialogue method में जब teacher use करते हैं तो स्टूडेंट्स आपस में म्यूचुअली शेयर करते हैं अपने थॉट्स, आइडियाज, व्यू पॉइंट्स। ऑल्सो टीचर भी उनके साथ शेयर कर रहे हैं। कंटिन्यूएशन। इन डायलॉग देर इज नो हायरार्की अमंगस्ट द पार्टिसिपेंट्स, दैट इज इट इज अ कन्वर्सेशन बिटवीन इक्वल्स। सो डायलॉग मेथड में टीचर हो या स्टूडेंट हो, सब अपने आप को इक्वल स्टेज पे रख के डिस्कस कर रहे हैं, डायलॉग कर रहे हैं, बिटवीन ईच अदर कन्वर्जेशन कर रहे हैं। यहाँ पे कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, रादर एवरी वन इज एट इक्वल पोजिशन। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ डायलॉग मेथड, जहाँ पे टीचर यूज करते हैं ये मेथड अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, वे स्टूडेंट शेयर द आइडियाज, थॉट्स विथ रेस्पेक्ट टू द कंटेंट। लेट अस सी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायलॉग मेथड। So we are here on the characteristics of dialogue method. Very first characteristics. Learners are actively engaged in the content being learned rather than being dependent on the educator. So dialogue method is a part of child-centered education. Jahan pe dialogue learning ke through students actively participate kar rahe hain aur wo content samajhne ki koshish kar rahe hain. So it is not ki only teacher is teaching that content, it is rather students are becoming independent learners in the process of learning that content. Continuation. Dialogue involves listening and insightful learning. So dialogue method mein जो भी डिस्कशन हो रहा है, जो भी बातचीत हो रही है, जो भी डायलॉग आपस में स्टूडेंट शेयर कर रहे हैं, इट इज़ नॉट कि खाली स्टूडेंट बोलते ही रह रहे हैं। इट इज़ दैट व्हेन वन पर्सन और वन स्टूडेंट इज सेइंग, द अदर वन इज लिसनिंग। सो इट इन्वॉल्व्स लिसनिंग। डायलॉग में लिसनिंग कैपेसिटी डेवलप करती है स्टूडेंट्स की। ऑल्सो स्टूडेंट डेवलप इनसाइट टूवर्ड्स दैट पर्टिकुलर कंटेंट, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं एक ही पर्टिकुलर टॉपिक पे। सो मैनी वराइटीज ऑफ आइडियाज विच डेवलप्स इनसाइट टूवर्ड्स दैट टॉपिक। तो उनको डिटेल समझ में आता है, वो कंटेंट को इन डेप्थ समझने की वो कोशिश करते हैं थ्रू डायलॉग मेथड। कंटिन्यूएशन। लर्नर्स व्यू ईच अदर एज पीयर्स एंड आर इन्वॉल्व इन म्यूचुअल क्वेस्ट ऑफ डीपर अंडरस्टैंडिंग। सो डायलॉग मेथड में जो भी लर्नर्स है, जो भी पार्टिसिपेंट्स है, वो एक दूसरे को अपने क्लासमेट्स, अपने पीयर्स समझते हैं। हमने पहले भी देखा मीनिंग में कि डायलॉग मेथड इन्वॉल्व्स पार्टिसिपेंट्स टू लुक एट ईच अदर एज इक्वल्स। तो यहाँ पे जो है कि आपस में ये अंडरस्टैंडिंग है इनकी कि वी ऑल आर इक्वल एंड वी आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग and developing deeper understanding with respect to that content. The next one, learners through open questions think, form ideas, share, reflect and integrate into their context. So jo learners ko teacher ne opportunity di hai, to yahan pe teacher open question dete hain student ko, students sochte hain, आइडियाज फॉर्म करते हैं, शेयर करते हैं आपस में थ्रू डायलॉग्स, लिसन टू ईच अदर्स व्यू पॉइंट्स, दे रिफ्लेक्ट एंड ऑल्सो इंटीग्रेट दैट पर्टिकुलर कंटेंट इनटू देयर कॉन्टेक्स्ट। सो जो भी
डिस्कशन हो रहा है, जो भी कंटेंट डिस्कस हो रहा है, सभी बच्चे इन्वॉल्व है एक्टिवली इस पर्टिकुलर प्रोसेस में, जहाँ पे वो मेंटली सोच के, ब्रेनस्टॉर्म करके डिस्कस कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं अपने व्यू पॉइंट्स थ्रू डायलॉग, एंड उसको कनेक्ट कर रहे हैं अपने एनवायरनमेंट, अपने सराउंडिंग से, सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड द कंटेंट इन अ मच बेटर मैनर. द लास्ट पॉइंट अंडर द कैरेक्टरिस्टिक्स विथ रिस्पेक्ट टू टीचर, टीचर इज अ फैसिलिटेटर हु हेल्प्स द स्टूडेंट टू रिफ्लेक्ट एंड प्रोवाइड सपोर्ट इन द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिव अंडरस्टैंडिंग. सो टीचर का यहाँ पे क्या रोल है, टीचर एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, रैदर टीचर इज अ फैसिलिटेटर. उन्होंने क्वेश्चन दिया है, स्टूडेंट उस पर डिस्कस कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट बैक कर रहे हैं, तो वो प्रोसेस में स्टूडेंट को हेल्प करना, टीचर थोड़े बहुत इनपुट्स भी शेयर कर सकती है यहाँ पे, ऑल्सो सपोर्ट प्रोवाइड करती है कि आपस में, सी डायलॉग मेथड जो है, ऑल स्टूडेंट्स आर शेयरिंग देयर व्यू पॉइंट्स, तो एक कलेक्टिव लर्निंग हो रही है, कलेक्टिव अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड टू दैट कंटेंट हो रहा है, तो ये प्रोसेस इफेक्टिवली चले, तो यहाँ पे टीचर फैसिलिटेट करती है कि एवरीथिंग इज गोइंग प्रॉपरली. सो दीज आर फ्यू ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायलॉग मेथड. लेट अस कम टू द प्रिंसिपल्स ऑफ डायलॉग मेथड. लेट अस सी द प्रिंसिपल्स ऑफ डायलॉग मेथड. सबसे फर्स्ट प्रिंसिपल, अचीवमेंट बेस्ड ऑब्जेक्टिव. सो डायलॉग मेथड को जब भी टीचर यूज़ करती है इन हर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, शी मेक श्योर कि यहाँ पे स्टूडेंट्स को कुछ अचीव हो, दैट इज मीनिंगफुल लर्निंग टेक प्लेस हो, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हो, स्टूडेंट्स अप्लाई कर सके उनकी लर्निंग को, ऑल्सो उनका बिहेवियरल चेंज हो. सो दिस इज वॉट डायलॉग मेथड किसी ना किसी रीजन ऑब्जेक्टिव की वजह से टीचर यूज़ कर रहे हैं क्लासरूम में. सेकेंड पॉइंट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड ओपन कम्युनिकेशन. सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ डायलॉग मेथड कि हर एक स्टूडेंट, हर एक टीचर जो भी इस डायलॉग मेथड में है, वो एक दूसरे को रिस्पेक्ट करे. ऑल्सो देर इज ऑलवेज अ ओपन कम्युनिकेशन, सो इट इज नॉट जस्ट येस नो क्वेश्चंस, बट इट इज ऑल्सो अबाउट टॉकिंग एंड एक्सप्रेसिंग देयर आइडियाज, शेयरिंग देयर आइडियाज वेरी ओपनली विदाउट एनी फियर. सो दिस इज वॉट इज म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड ओपन कम्युनिकेशन एंड डायलॉग मेथड. लेट अस सी द थर्ड प्रिंसिपल, ओपन क्वेश्चंस इनवाइट्स द पार्टिसिपेंट्स टू इंटरैक्ट एंड हैव ओपन डायलॉग. सो यहाँ पे जो है ओपन क्वेश्चंस है, क्लोज एंडेड क्वेश्चन नहीं है, येस नो क्वेश्चन नहीं है, तो सारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, दे कैन एक्सप्रेस देयर व्यू पॉइंट्स ओपनली एंड हैव अ डायलॉग, लिसन टू ईच अदर, एक्सप्रेस देयर व्यू पॉइंट्स, और इसी तरह से शेयरिंग ऑफ आइडियाज होते हैं. लेट्स प्रोसीड टू द फोर्थ पॉइंट अंडर प्रिंसिपल्स, पार्टिसिपेंट सस्पेंड देयर अजम्पशंस एंड जजमेंट. सो जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, उनके कोई भी प्री कन्विंस नोशन है उस पर्टिकुलर कंटेंट से रिलेटेड, सो दे नीड टू सस्पेंड, दे नीड टू मेक श्योर दैट जब भी वो सुन रहे हैं किसी दूसरे पार्टिसिपेंट की बातें, तो दे ओपन माइंडेडली, ऐसे नहीं कि क्लोज माइंडेड हो जाए, नैरो थिंकिंग रखे, बट दे नीड टू ब्रॉडन देयर हॉरिजॉन्स ऑफ थिंकिंग, दे नीड टू यूज देयर माइंड्स टू लिसन टू देयर अदर पार्टिसिपेंट्स थॉट प्रोसेस. इससे क्या होगा, द पार्टिसिपेंट्स आर रेडी टू एक्सप्रेस एंड ऑल्सो रेडी टू लर्न फ्रॉम ईच अदर. नेक्स्ट पॉइंट, शुड नॉट टेक द फॉर्म ऑफ डिबेट और मियर डिस्कशन. सो डायलॉग मेथड है ये, ना कि डिबेट है, सो डिबेट नहीं होना चाहिए, बिकॉज मैं राइट हूँ, ये ग्रुप रॉन्ग है, ये नई चीज है, ये डायलॉग मेथड है. ऑल्सो जस्ट शॉर्ट डिस्कशन नहीं है, इट इज एक्सट्रीम डिटेल एक्सप्रेशन ऑफ द आइडियाज. तो यहाँ पे जो डायलॉग मेथड है वो ना तो एक डिबेट का फॉर्म लेना चाहिए, ना ही जस्ट एक स्मॉल डिस्कशन और फिर टीचर एक्सप्लेन करने लग गए. दिस इज नॉट अ डायलॉग मेथड. डायलॉग मेथड में सारे पार्टिसिपेंट्स, ऑल स्टूडेंट्स आर गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस देमसेल्फ इन डिटेल अबाउट द कंटेंट. दे कैन एक्सप्रेस देयर एक्सपीरियंसेस रिलेटेड टू दैट कंटेंट. एंड द फाइनल प्रिंसिपल, मस्ट फैसिलिटेट द अवेकनिंग ऑफ इंटेलिजेंस. सो डायलॉग मेथड है, बहुत सारे लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने आइडियाज,
तो नेचुरली डायलॉग मेथड हमेशा ये ध्यान रखेगा कि फैसिलिटेट करे कि स्टूडेंट्स का इंटेलिजेंस डेवलप हो, स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो विथ रेस्पेक्ट टू दैट कंटेंट. सो दीज वेर द फ्यू प्रिंसिपल्स ऑफ डायलॉग मेथड. अब हम देखते हैं द सिग्निफिकेंस ऑफ डायलॉग मेथड. सो लेट अस सी. ओके, तो सिग्निफिकेंस ऑफ डायलॉग मेथड देखते हैं. वेरी फर्स्ट सिग्निफिकेंस, इंक्रीजेस द टॉलरेंस लेवल ऑफ पार्टिसिपेंट्स. सो विद द हेल्प ऑफ डायलॉग मेथड पार्टिसिपेंट्स का टॉलरेंस लेवल बढ़ता है बिकॉज दे आर लिसनिंग टू अदर पार्टिसिपेंट्स. दे मेक श्योर कि जब कोई दूसरा पार्टिसिपेंट बोल रहा है तो वो उसकी आइडियाज़ को सुने, समझे, एंड देन दे कैन लेटर ऑन रिएक्ट टू देयर टू दैट पर्टिकुलर पार्टिसिपेंट्स आइडियाज. अगर उनको अच्छा लगा तो वो एड ऑन कर सकते हैं, अगर उन्हें नहीं अच्छा लगा देन दे कैन असर्टिवली एक्सप्रेस देयर आइडियाज. सो दिस इज वॉट इज इट इंक्रीजेज द पार्टिसिपेंट्स टॉलरेंस लेवल टू लिसन अदर पर्सन्स व्यू पॉइंट एंड ऑल्सो टू एक्सेप्ट इफ इट इज राइट. सेकेंड वन, क्रिएट सेल्फ अवेयरनेस एज द पार्टिसिपेंट्स हैव अपॉर्चुनिटीज टू रिफ्लेक्ट ओवर वंस ओन व्यूज एंड दोज ऑफ अदर्स. सो जब एक अपनी व्यू, एक पर्टिकुलर पार्टिसिपेंट खुद की व्यू को रिफ्लेक्ट करता है, ऑल्सो जो दूसरे पर्सन्स बोल रहे हैं उनके आइडियाज़ को रिफ्लेक्ट करता है, तो इसके थ्रू, ये प्रोसेस के थ्रू द पर्सन डेवलप्स हिज ओन अंडरस्टैंडिंग, डेवलप्स हिज ओन सेल्फ अवेयरनेस कि हु इज ही एंड वॉट आर हिज थाट्स रिलेटेड टू दैट कंटेंट. सो दिस इज वॉट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डायलॉग मेथड. नेक्स्ट वन, शिफ्ट फ्रॉम मोनोलॉग टू डायलॉग एज लर्नर्स आर एक्टिवली एंगेज दस नो डोमिनेंस ऑफ एक्सपर्ट्स. डायलॉग मेथड में वॉट हैपन्स इज देर इज नो डोमिनेंस ऑफ एक्सपर्ट, दैट इज टीचर ही अकेली एक्सप्लेन कर रही है, बोल रही है रिलेटेड टू दैट कंटेंट, इट इज नॉट एट ऑल देर. ओवर योर लर्नर्स आर गिवन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक, टू एक्सप्रेस, टू शेयर. सो दिस इज वॉट इज डायलॉग में स्टूडेंट्स एक्टिवली एंगेज है इन एक्सप्रेसिंग देयर व्यू पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू कंटेंट. सो एक अकेले टीचर का डोमिनेंस नहीं है. नेक्स्ट वन, लर्नर सेंटर्ड मेथड दैट ऑफर्स स्कोप फॉर मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स अबाउट द कंटेंट. डायलॉग मेथड इज अ चाइल्ड सेंटर्ड मेथड, जहाँ पे अलग अलग थॉट प्रोसेस एक ही पर्टिकुलर कंटेंट से रिलेटेड या टॉपिक से रिलेटेड आ रहे हैं. तो मल्टीपल व्यू पॉइंट्स, मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स आ रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू सेम कंटेंट. नेक्स्ट पॉइंट, फोस्टर्स हेल्दी कम्युनिकेशन विच इज एन इम्पॉर्टेंट लाइफ स्किल. डायलॉग मेथड टॉलरेंस डेवलप करता है, डायलॉग मेथड लिसनिंग स्किल डेवलप करता है, डायलॉग मेथड डेवलप करता है कि हाउ वन कैन एक्सप्रेस देयर व्यू पॉइंट्स इफेक्टिवली, असर्टिवली. सो दिस इज नथिंग बट एन इम्पॉर्टेंट लाइफ स्किल विच डायलॉग मेथड इज डेवलपिंग इन द लर्नर्स. नेक्स्ट पॉइंट, हेल्प्स टू अंडरस्टैंड, रिस्पेक्ट, एक्सेप्ट डाइवर्स व्यूज एंड इफेक्टिवली डील विद द डिफरेंसेस. जैसे कि हमने लास्ट पॉइंट में पढ़ा कि डेवलप्स लाइफ स्किल्स, सो सेम गोज ओवर हियर. अंडरस्टैंड करना सिखाता है डायलॉग मेथड, सेल्फ लर्निंग सिखाता है, रेस्पेक्टिंग एंड एक्सेप्टिंग डाइवर्स डिफरेंट व्यूज, क्योंकि एक ही कंटेंट से रिलेटेड मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स आ रहे हैं, एंड ऑल्सो टू डील इफेक्टिवली विद द डिफरेंसेस. नेचुरली हर एक पर्सपेक्टिव सामने वाला दूसरा पार्टिसिपेंट हो सकता है एग्री ना करे, बट हाउ दे इफेक्टिवली डील विद दैट, एक्सप्रेस इट प्रॉपरली. सो दिस इज वॉट डायलॉग मेथड इज इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट वन, इफेक्टिव वे टू पीसफुली रिजॉल्व इश्यूज दैट थ्रेटन सोशल स्टेबिलिटी. तो डायलॉग मेथड स्टूडेंट्स को ट्रेन करता है कि हर एक इशू, हर एक सोशल इशू और एनी इशू विद पर्सन इज फेसिंग और द स्टेट इज फेसिंग और द नेशन इज फेसिंग और वेरियस इंटरनेशनल लेवल, इस तरह के अगर कोई इश्यूज है जो इंटरनेशनल पीस को थ्रेटन कर रहा है, वो सारे राइट फ्रॉम अ स्मॉल लेवल, एक इंडिविजुअल इशू टिल द इंटरनेशनल लेवल, सारे इश्यूज विद द हेल्प ऑफ डायलॉग मेथड पीपल कैन रिजॉल्व. सो देर इज नो नीड फॉर एनी अदर वे ऑफ रिजॉल्विंग, rather everyone should use dialogue method. So this is what we are teaching through dialogue method to the learners. The next point,
द डायलॉग मेथड एक्सप्लोर्स द रूट कॉज ऑफ प्रॉब्लम एंड एनकरेजेस डिसीजन मेकिंग. For example, in this dialogue method, teacher must have given a social issue which has to be tackled. तो यहाँ पे क्या होता है, स्टूडेंट्स एक्सप्लोर करते हैं कि क्या एग्जैक्टली प्रॉब्लम है, रूट कॉज क्या है ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम का, एंड दे आर गिवन अपॉर्चुनिटी ऑल्सो टू टेक डिसीजन हाउ टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम. सो स्टूडेंट्स सब मिलजुल के एक्सप्लोर करते हैं प्रॉब्लम को, डिस्कस करते हैं, अपने व्यू पॉइंट शेयर करते हैं और डिसीजंस एक्सप्रेस करते हैं कि हर हर एक स्टूडेंट अपने अपने तरह से डिसीजन देता है कि हाउ टू रिजॉल्व दिस पर्टिकुलर इश्यू. सो दिस इज व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डायलॉग मेथड, कि डिसीजन मेकिंग स्किल डेवलप करता है स्टूडेंट्स में. नेक्स्ट पॉइंट, डायलॉग ऑफर्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर कलेक्टिव लर्निंग दैट इंक्रीजेस हार्मनी एंड फेलोशिप. सो डायलॉग मेथड हो रहा है, कलेक्टिव लर्निंग हो रही है, ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम आर स्पीकिंग, आर लिसनिंग, आर एक्सप्रेसिंग देयर व्यू पॉइंट्स, अंडरस्टैंडिंग ईच अदर्स आइडियाज, रिफ्लेक्टिंग ऑन दोज आइडियाज. सो इट डेवलप्स अ कम्युनिटी और कलेक्टिव लर्निंग, और इससे क्या होता है कि हारमनी और ब्रदरहुड डेवलप होता है. एंड द लास्ट पॉइंट, डायलॉग मेथड रिजल्ट्स इन मोर मीनिंगफुल लर्निंग दैट हैज एन इम्पैक्ट ऑन लर्नर्स बिहेवियर. Since it is a child-centered learning, child-centered way of learning, this is where the learners are actively involved. So naturally, ये एक meaningful learning develop करता है. Also, learners अपने behavior में जो भी dialogue method के through सीख रहे हैं, वो अपने अंदर inculcate करते हैं. So this is all with respect to significance of dialogue method. Let us see few questions related to dialogue method. Okay, so let us see few questions on dialogue method. डायलॉग मेथड से रिलेटेड लॉन्ग क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चंस देखते हैं. सबसे फर्स्ट ब्रीफ क्वेश्चंस. फर्स्ट वन, डायलॉग लर्निंग प्रोवाइड्स लर्नर्स एन अपॉर्चुनिटी टू इंटरैक्ट. एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ डायलॉग मेथड. तो ये स्टेटमेंट को हमें एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ मीनिंग, डेफिनेशन एज वेल एज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायलॉग मेथड. सेकेंड क्वेश्चन, डिस्कस द प्रिंसिपल्स ऑफ डायलॉग मेथड. तो यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है कि आपको प्रिंसिपल्स ऑफ डायलॉग मेथड एक्सप्लेन करना है, डिस्कस करना है. लास्ट क्वेश्चन अंडर आंसर इन ब्रीफ, एलुसिटेट द सिग्निफिकेंस ऑफ डायलॉग मेथड. तो यहाँ पे हमें सिग्निफिकेंस ऑफ डायलॉग मेथड पूछा है, तो पूरा एक्सप्लेन करना है डायलॉग मेथड के सिग्निफिकेंस. लेट अस सी फ्यू शॉर्ट आंसर्स. तो शॉर्ट आंसर्स के क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, वॉट इज डायलॉग मेथड. तो यहाँ पे पूछा है डायलॉग मेथड क्या है, तो हमें डायलॉग मेथड का मीनिंग लिखना है. नेक्स्ट वन, स्टेट द इम्पॉर्टेंस ऑफ डायलॉग मेथड. सो ओवर हियर वी नीड टू राइट फ्यू पॉइंट्स रिलेटेड टू द सिग्निफिकेंस और इम्पॉर्टेंस ऑफ डायलॉग मेथड. एंड द लास्ट क्वेश्चन अंडर शॉर्ट आंसर, डिस्क्राइब एनी थ्री प्रिंसिपल्स ऑफ डायलॉग मेथड. तो हमने बहुत सारे प्रिंसिपल्स देखे, अराउंड सिक्स प्रिंसिपल्स देखे हैं डायलॉग मेथड के, तो हमें यहाँ पे सिर्फ थ्री प्रिंसिपल्स को डिस्क्राइब करना है. सो दीज आर फ्यू ऑफ द क्वेश्चंस ऑन डायलॉग मेथड. लेट अस कम टू द लास्ट स्लाइड ऑफ डायलॉग मेथड. सो फाइनली लेट अस कंक्लूड व्हाट वी हैव स्टडीड. वी हैव स्टडीड द मीनिंग ऑफ डायलॉग मेथड, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायलॉग मेथड, द प्रिंसिपल्स ऑफ डायलॉग मेथड, द सिग्निफिकेंस एंड फ्यू क्वेश्चंस of dialogue methods. So to finally conclude, we will see one of the quote by Paulo Freire, only dialogue is capable of generating critical thinking. So dialogue also and very naturally creates this critical thinking attitude in the learner. So jab bhi dialogue method teacher use kar rahe hain, to students जब रिफ्लेक्ट कर रहे हैं उस प्रोसेस में क्रिटिकली थिंक भी कर रहे हैं, एंड विच इज़ वेरी मच नेसेसरी फॉर अ लर्नर टू थिंक. सो ये क्रिटिकल थिंकिंग सिर्फ और सिर्फ डायलॉग मेथड के थ्रू हो सकती है. दिस इज़ अ थॉट बाय पॉलो फ्रेरेरे. सो आई होप आपको ये कंटेंट समझ में आया हो. थैंक यू. नमस्कार.